हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पनीर की भुर्जी, जो कि मैंने बहुत ही ना सिंपल तरीके से इसको बनाई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग को इसकी रेसिपी क्या है वो बता देती हूँ। तो एक लेना है पैन, पैन में डालना है थोड़ा सा तेल, तेल में डालना है थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्ची। मैं यहाँ पर एक ही हरी मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। इसीलिए अगर आप लोग बड़ा बच्चा के हिसाब से बना रहे हैं तो आप लोग इसमें हरी मिर्ची की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो हरी मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सारा सबको ना से चटकने देना है जीरा और हरी मिर्ची को। उसके बाद फिर डाल देना है इसमें प्याज। मैं यहाँ पर प्याज का यूज़ एक मीडियम साइज़ का जो प्याज होता है उसको पतला पतला लेयर में कट कर लेना है और उसको बहुत अच्छे से ना फ्राई कर लेना है, ठीक है। प्याज की क्वांटिटी भी आप लोग अपने पनीर के हिसाब से, जितना पनीर आप बना रहे हैं पनीर भुर्जी उतने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। तो प्याज को यहाँ पे हाथ से थोड़ा सा मसल लेना है, जिससे क्या होगा ना उसकी एक एक लेयर जो है वो अलग हो जाएगी। और जब प्याज की लेयर एक एक ऐसी अलग हो जाती है तो वो भुर्जी में या फिर भजिया में या फिर सब्जी में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चिपकी चिपकी रहती है तो उस प्याज का पता नहीं चलता है, पूरे प्याज के लच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्याज अच्छे से हमने भून लेना है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कढ़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का जो इससे टेस्ट आएगा ना पनीर भुर्जी का, वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोग ने कभी नहीं बनाया है कड़ी पत्ते के साथ पनीर भुर्जी, तो बना के देखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पनीर भुर्जी किसको पसंद नहीं होती? आजकल तो पनीर की रेसिपी हर किसी को पसंद होती है, बच्चे हो या बड़े, बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि अगर होटल में खाना खाने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी पनीर ही ऑर्डर किया जाता है। जिन लोगों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो सोचा क्यों ना पनीर की रेसिपी आप लोगों शेयर की जाए, बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से। तो चलिए बात करते करते अब आ जाती है बारी इसमें टमाटर डालने की। तो मैंने यहाँ पर ना एक सिंपल मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और उसको कट कर लेना है। जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप उसको कट कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर को पकने दो, उसके साथ ही इसमें डाल देना है हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ पर ना कस्तूरी लाल मिर्च जो होती है ना, बस तीखी तीखी नहीं लगती है, बस सिर्फ कलर आता है, तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पनीर भुर्जी का जो इससे कलर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे आप लोग नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं अगर तीखा करना है तो। अगर मिर्ची पाउडर नहीं डालना है और फिर भी तीखा करना है तो आप लोग हरी मिर्ची का क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों का यूज़ किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको जो 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 डालना अच्छा लगता है वो आप लोग डाल सकते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे, जिससे कि जो टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाएगा, पक जाएगा। तो पनीर है, ये पनीर आपको ऐसे लड्डू जैसा दिख रहा है, ये पनीर घर में बना हुआ है, घर में बनाया है इस पनीर को। तो मैं यहाँ पर वो पनीर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो मार्केट का पनीर और कोई भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। पनीर भुर्जी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही पनीर यूज़ किया जाता है, बनाने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे बना रहे हैं। तो पनीर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोग के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है आसपास के पड़ोसी दुकानों में, ठीक है। तो पनीर को यहाँ पे ना हाथ से ऐसे मैश करके डालना है, क्रश करके डालना है। और एक बात आपको हाँ बता देती हूँ, जो पनीर हम घर में बनाते हैं ना उसमें ना थोड़ा सा कैसे वो नमक नमक लगता है, तो नमक अगर पनीर का सब्जी कोई भी बना रहे हो तो नमक का क्वांटिटी थोड़ा सा ना ध्यान में रख के डालिएगा, मतलब कम ही डालना है। अगर कम हो जाता है तो बाद में ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो पनीर डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको ना मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा चम्मच के मदद से इसको दबा दबा के अच्छे से चला के मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्लेन सी सिंपल सी पनीर की जो भुर्जी है वो बनकर है बिल्कुल तैयार। और कर देना है धनिया की गार्निशिंग। इसमें ना धनिया ना बहुत ही ज़्यादा वाला कंपलसरी है, ठीक है। आप लोग डालोगे तो देखने में भी सुंदर लगती है और जो चीज़ ना देखने में अट्रैक्टिव लगती है ना तो वो खाने का भी मन करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये पनीर भुर्जी की रेसिपी लगी कैसी है मुझे बताना ज़रूर है। और जिन लोगों ने कर रखा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उनको बहुत सारा थैंक यू। एक बात और हाँ बता देती हूँ, जिन लोगों को भी ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना उनको मैं क्या डाल रही हूँ क्या नहीं डाल रही हूँ समझ में नहीं आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं सब कुछ मसाला जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स करके ऐसा डाल देती हूँ। तो आप लोग जाके वहाँ पे मसाले जो हैं वो देख सकते हैं। मसाले वही डालने होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बट क्वांटिटी जो है आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ ना उसके मैं सारे मसालों का इंग्रेडिएंट्स उसमें मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग ना प्लीज़ एक बार चेक को ना कर लिया कीजिए, इससे क्या होगा आप लोग को पता चलेगा कि मसाले कौन कौन से डालने हैं और कौन कौन से नहीं डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार, बनाइए खाइए इंजॉय करिए। मैं आप लोग से मिलती हूँ ऐसी ही प्लेन सी सिंपल सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।